हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गीता और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जो उड़द की धुली हुई दाल होती है उसके पकोड़े की रेसिपी, जो सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो दोस्तों, ये बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे सर्दियों गर्मियों दोनों में बनाकर खा सकते हैं। सर्दियों में पकौड़े ज़्यादा खाए जाते हैं, तो सर्दियों की शाम में जो टी स्नैक होता है उसमें आप इसको बनाकर खाइए, क्योंकि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल इंडियन भोज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे 250 ग्राम उड़द की धुली हुई दाल, यानी कि जिसको मूंग दाल बोलते हैं, वो ले ली है। इसे हम धुलकर अच्छे से साफ़ करके पानी में भिगो देंगे 4 घंटे के लिए। ये मैंने बिल्कुल डिप कर दी है ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। 4 घंटे बाद देखिए, दाल को मैंने पानी से अलग कर लिया है और ये फूलकर डबल हो गई है। अब हमें इसे मिक्सर में पीस लेना है, इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी करना है। दोस्तों, मैंने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है और ये बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बनाया है मैंने। पानी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, 1 से 2 चम्मच पानी यूज़ किया है पीसने के लिए दाल को। अब मैं इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो भी ऐड कर दूंगी, और अब थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे हम इसमें, और टेस्ट अनुसार नमक मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसालों में हमें यही डालना है, हल्दी वगैरह इसमें नहीं डालनी है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको लाल मिर्च डालनी है तो वो डाल सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इसके पकौड़े ईजिली बन जाएंगे। ऐसी ही थिकनेस आपको रखनी है, ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है। अब मैं इसमें 1/4 बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये पकोड़े अच्छे से फूले फूले बना दे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था, जो कि अब गरम हो चुका है। गैस फ्लेम हम एकदम मीडियम लो कर देंगे, ज़्यादा लो भी नहीं और हाई भी नहीं, इसलिए मीडियम लो किया है। तेल एकदम गरम हो चुका था इसलिए हमने गैस को मीडियम लो किया है। अब हम इसमें पकोड़े छोड़ना शुरू करेंगे। ध्यान रहे, तेल को पहले अच्छे से गरम कर लें। एक एक करके चम्मच की सहायता से इसमें पकोड़े छोड़ते जाएंगे। बैटर की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है तो इसे आप हाथ से ना छोड़े तो चम्मच से छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चम्मच से ही काफ़ी अच्छे पकौड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। तो जितनी कढ़ाई में एक बार में पकौड़े आ जाएँ उतने आप डाल दीजिए। फ्लेम मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे मीडियम लो रखना है ताकि पकोड़े अच्छे से अंदर तक सिक जाएं और बाहर से जले भी ना। एक तरफ से अच्छे से सेकने के बाद हम पकोड़ों को दूसरी साइड से पलट देंगे ताकि वो दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाएं। दोस्तों, सोडा डालने की वजह से ये काफ़ी अच्छे से फूल कर आते हैं और ये कढ़ाई में चिपकते भी नहीं हैं। इनको बनाना इसीलिए बहुत आसान है, ये अपने आप फूल कर ऊपर आ जाते हैं और आप इनका कलर भी देख सकते हैं, और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। दोनों तरफ से हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इन्हें सेकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और फिर हम इन्हें करछी की सहायता से तेल से बाहर निकाल लेंगे। दूसरी बार में भी हम ऐसे ही पकोड़े बनाएंगे। इसी तरह से सारे पकोड़े बनाकर हम रेडी कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरी बार के पकोड़े भी हमारे रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों, हमारे सभी पकोड़े बनकर रेडी हैं। आप इनका कलर और इनका टेक्सचर देख सकते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और अंदर से काफ़ी स्पॉन्जी हैं। मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, अंदर से एकदम स्पॉन्जी फ्लफी जैसा बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आप ज़रूर कहेंगे बार बार खाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।